नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित डेरा और आप सभी का टेक एफ ऑल यू में स्वागत है। मैं आपको अब बता देता हूं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। आज की खबरें बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू हैं। न्यूली मेरे से कहने का मतलब बहुत ही अलग तरह की, और कुछ डील अलर्ट्स भी आपके लिए। और पहली खबर जो है वो है ला एको की। एली एको अपनी टीवी इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि हो सकता है स्मार्ट टीवी हो, और इसकी कीमत हो सकती है 30,000 के लगभग, 25,000 के लगभग, इस तरह के प्राइस सेगमेंट में आ सकती हैं। और अलग अलग तरह की स्मार्ट टीवी लॉन्च कर सकती है। इसमें 3GB रैम, 4K रेजोल्यूशन और 3D फंक्शनैलिटी आपको मिल सकती है। 16GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ऐसी खबरें सुनने में आ रही है, और आप ऑनलाइन इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अगली खबर जो है, लेनोवो ने अपना किलर नोट मतलब वाइब K5 नोट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसकी वीडियो आपको मिल चुकी होगी, लिंक आपको ऊपर ही एग्जैक्ट ऊपर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी ओपिनियंस के बारे में। इसमें आपको 4GB की रैम और 3GB की रैम, दो वेरिएंट मिलते हैं। 3GB का रैम वाला 11,999 रुपये का आपको मिलेगा, और 4GB की रैम वाला 13,499। इसके साथ कुछ डील्स मिलती है आपको 500 रुपये में, जैसे इनका VR जो हेडसेट है उस तरह मिल जाएगा आपको। फर्स्ट डे मतलब 3 अगस्त की सेल को आपको मिल सकता है वो। और इसमें आपको मिल जाता है 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले और मीडिया टेक का हीलियो P10 प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा, MT6755, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं यूनिकॉर्न में इंडिया में, जो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसमें कुछ खास चीज़ें जोड़ी गई है, जैसे डॉल्बी सराउंड साउंड और माइक में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और इसमें जो चीज़ें वो आपको दूसरे स्मार्टफोन्स में नहीं देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें इसमें दी गई है। और इसमें दो स्पेसिफिक अलग फीचर्स दो तीन दिए गए हैं, उसका मैं आपको वीडियो जल्दी अवेलेबल कर दूंगा, बना के आप इस चैनल पर डाल दूंगा, आप इसलिए हमारा वीडियो देखते रहिएगा। और अगली खबर है लेनोवो वाइब K5 प्लस की। वाइब K5 प्लस को अपग्रेड कर दिया गया है लेनोवो की तरफ से। इसमें आपको 2GB की जगह 3GB रैम मिल रही है, और इसका प्रोसेसर वही का वही है, डिस्प्ले भी वही है, कोई चेंज नहीं किया गया, बस 16GB इंटरनल और 3GB इसमें जो रैम है वो अपग्रेड कर दी गई है इसके ओल्ड मॉडल से। और इसमें इसकी कीमत में भी कोई अंतर नहीं है, जो ऑलरेडी पहले जिस कीमत पे बिक रहा था फ्लिपकार्ट, उसी कीमत पे आपको मिलेगा। और ये अच्छी डील साबित हो सकती है, जो कि इस प्राइस रेंज 7,000 या 8,000 मतलब 10,000 के अंदर के फ़ोन को ढूंढ रहे हैं और लेनोवो का ही लेना है तो इसको वो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऑनर ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स, या आप एक फैबलेट कह सकते हैं, उनमें से एक फैबलेट कह सकते हैं, लॉन्च कर दिए हैं चाइना में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ऑनर नोट 8 के बारे में, जो कि 6.6 इंच का QHD जिसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 4GB रैम के साथ। और इसमें आपको मिलता है 6.6 इंच का QHD डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, 2.5 GHz का 955 का ऑक्टा कोर क्रिन प्रोसेसर आपको मिल जाता है 4GB रैम के साथ। और फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको 13 MP का कैमरा और 8 MP का सेल्फी कैम मिल जाता है। इसमें 4500 mAh की बैटरी है और 4G LTE सपोर्ट, ड्यूअल सिम कार्ड स्लॉट, USB टाइप सी का भी इसमें आपको पोर्ट मिलता है, NFC और ब्लूटूथ 4.2 के साथ आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। और ये उसी तरह से जैसे MI का मैक्स वगैरह है, और ये एक फैबलेट ही है। और इसकी कीमत कुछ इस तरह से, अगर हम चाइनीज यूआन को इंडियन रेट्स में कन्वर्ट करें तो 32GB वाला मॉडल 23,000 के आसपास मिलेगा, और 128GB वाला 25,000 के आसपास मिल सकता है आपको, और 164GB वाला आपको मिलेगा 25,000 के आसपास, और 128GB वाला मॉडल आपको मिल जाएगा 28,000 के आसपास। और इसकी सेलिंग अगस्त 9 से चाइना में स्टार्ट हो जाएगी, और ये प्री बुक आप इसको कर सकते हैं। खैर ये इंडिया में तो लॉन्च हुआ ही नहीं अभी तक। और ऑनर 5 का मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, ये 5 इंच का, इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, VU LTE सपोर्ट है इसमें। और इसको अगर हम इंडियन रेट्स में अगर इसका प्राइस कन्वर्ट करें तो 6,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और इसमें आपको मिलेगा मीडिया टेक का प्रोसेसर है 1.3 GHz का, MT6735P इसमें आपको दिया गया है, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है, माली T720 आपको इसमें GPU मिल जाएगा, 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको मिलेगा, जिसको कि आप एक्सपांड कर सकते हैं 128GB तक। इसमें आपको 8 MP का रियर कैमरा और 2 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है।
और जैसे कि आप लेनोवो वगैरह भी देख सकते हैं इसी प्राइस रेंज में, और ये इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं है, ये अभी चाइना में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और अगली खबर है OnePlus 3 की। OnePlus 3 की जो डैश चार्जिंग थी, जो कि उसका बहुत ही स्पेशल और यूनिक फीचर आप कह सकते हैं, 30 मिनट के अंदर 70-80% चार्ज कर देता है आपके स्मार्टफोन को, वो आप उसका सपोर्ट आपको कस्टम रोम में भी मिल जाएगा OnePlus 3 के। और ये सिर्फ OnePlus 3 के लिए रहेगा, OnePlus 3 का साइनोजन मॉड जो 13 है उस पर आपको ये सपोर्ट अवेलेबल करा दिया गया है। आप इस पर डैश चार्ज का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और अगली खबर है Freedom 251 की। या Freedom 251 ने 5,000 जो उनके लकी ड्रॉ वगैरह करके जो स्मार्टफोन थे वो डिस्पैच कर चुके हैं। अब उन्होंने अनाउंस किया 65,000 जो और स्मार्टफोन थे वो जल्दी डिलीवर कर देंगे, डिलीवरी उनकी शुरू हो जाएगी। और अगली खबर है पैनासोनिक की। पैनासोनिक ने इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, इलुगा आर्क 2, जो कि 4G वो एल टी के साथ, वो एल टी का, जिसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी कीमत है 12,290 रुपये में आपको मिलेगा। और इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह की, 5 इंच का HD डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा, और एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो पे स्मार्टफोन रन करता है। इसमें OS आपको मिल जाएगा मार्शमेलो, 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, 3 GB की रैम मिल जाएगी, 8 MP का कैमरा मिल जाएगा, और 32 GB की इंटरनल मेमोरी आपको इसमें मिल जाएगी, जो कि 128 GB तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसमें 2450 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जहाँ तक इसकी बैटरी बहुत कम है खैर इस हिसाब से। और इसी रेंज में आपको ऑलरेडी Redmi Note 3 लाइक Ali 2 ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन। बस ये ऑफलाइन अगर आप लेते हैं और पैनासोनिक के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। और शिओमी का अगली बहुत बड़ी खबर है शिओमी की तरफ से जो आ रही है, शिओमी का Redmi 3S जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और इसमें आपको 2 वेरियंट जहाँ तक मिल सकते हैं, 2 GB RAM और 3 GB RAM वाला। 2 GB RAM 16 GB इंटरनल के साथ आएगा, और 3 GB RAM वाला 32 GB के साथ आएगा। उसकी कीमत है 7,000-9,000 के लगभग, यानी कि 2 GB RAM वाले की 7,000 के आसपास हो सकती है, और 3 GB RAM वाले की 9,000 के आसपास हो सकती है। इसमें अगर हम आपको कुछ स्पेक्स इसके बता देते हैं, इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर Snapdragon 430 आपको मिल सकता है, और Adreno 505 GPU, और इसको आप मेमोरी का इनकी एक्सपांड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के थ्रू 128 GB तक। और इसमें आपको 5 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाएगा, 13 MP का कैमरा मिल जाएगा, और 5 MP का फ्रंट कैमरा, मतलब सेल्फी के लिए आपको 5 MP का कैमरा मिल जाएगा। 4G तो रहेगा ही, और 4100 mAh की बैटरी हो सकती है। ये उसी तरीके से इंडिया में शायद से लॉन्च हो सकता है, और इसमें आपको कलर शायद से मिल सकते हैं, ग्रे, सिल्वर, गोल्ड, जैसे कि ये चाइना में अवेलेबल है अभी, और जल्दी ये इंडिया में आ जाएगा, हो सकता है इसी हफ्ते को ये लॉन्च हो जाए इंडिया में। और अगली और आखिरी खबर जो है वो एक डील अलर्ट है, अमेजोन इंडिया ग्रेट सेल। अमेजोन अपनी ग्रेट इंडिया सेल को फिर से शुरू कर रहा है, अगस्त 8, 9 और 10, इन 3 दिनों में शुरू होता है। इसमें खास बात यह है कि अगर आप अमेजोन प्राइम पर रजिस्टर्ड हैं तो आप इन डील्स को 3 आधे घंटे पहले ही एक्सेस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल जैसे कि आपने साइन इन किया उन लोगों को, जैसे कि आप समझ लीजिए 9 बजे आपको डील का टाइम है, 9 बजे से शुरू होगी। मगर आप अगर अमेजोन प्राइम की आपने मेंबरशिप ले 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 रखी है तो आप इसे 30 मिनट पहले ही इस डील्स का एक्सेस आप पा लेंगे, और आप पहले ही इन डील्स को क्रैक कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं आपको जैसा। मैं आपको जल्दी इस अगले वीडियो में बता दूंगा कि अमेजोन प्राइम आखिर है क्या, और इसमें आपको फिलहाल अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया अमेजोन प्राइम पे तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको डील का एक्सेस 30 मिनट पहले ही मिल जाए, आधे घंटे पहले ही मिल जाए। आपको 60 दिन का अभी फ्री ट्रायल दिया जा रहा है, इसके बाद हो सकता है, इसके बाद अमेजोन प्राइम की जो कॉस्ट रखी गई है इंडिया में वो है 499 हर साल के लिए। इसमें आपको फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा, और कुछ और भी तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे मूवीज़ वगैरह की, खैर वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जल्दी मैं आपको एक अलग से इसका वीडियो बना के बता दूंगा कि अमेजोन प्राइम आखिर है क्या, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। अभी के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज़ थी। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं सुमित डेरा, टेक केयर ऑफ फॉर यू से। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।